हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल्स। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोनेरा किंगडम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, इसी को हम कहते हैं प्रोटीज सेल्स। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक बिफोर कैरियोटिक टाइप का सेल है, मीन्स वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और दियर इसके जो ऑर्गेनलीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, जो क्या करता है, इस पूरे सेल को एक शेप देता है, इसकी आउटर मोस्ट एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और ये इसको क्या करता है, उस जो बाहरी एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन करता है। सेकंड क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये क्या करता है, एज ए बैरियर का काम भी करता है और परमेबिलिटी भी करता है। कोई भी सॉल्यूट्स हैं उन सॉल्यूट्स को परमेबिलिटी का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या है, जो ये इसका इनर मोस्ट है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है ये हमारा कैप्सूल कहलाता है। ये क्या करता है, ये एज इनगल्फिंग, ठीक है, मींस इनगल्फिंग की प्रोसेस में हेल्पफुल करता है कैप्सूल। उसके बाद आता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम एक ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, स्विमिंग, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। इसीलिए बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर फाउंड यानी कि मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लैजेलम की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है कि देखो आप कि सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है इसीलिए जो क्रोमेटिन है, यानी कि इस न्यूक्लियोइड में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए नोन एज न्यूक्लियोइड, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके बाद बात आती है जो न्यूक्लियोइड है इसी में क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इन सबसे मिलकर बनता है न्यूक्लियोइड। इसके बाद बात आती है पाइलस, प्ली भी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पाइलस, ऑल्सो नोन एज सेक्स पाइलस। वाई? बिकॉज द टाइम ऑफ कंजुगेशन, जब क्या करते हैं बैक्टीरियल सेल्स, टू बैक्टीरियल सेल्स आपस में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन करते हैं, तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि जो पाइल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होने में हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड क्या होता है कि जो ये पाइलस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, टीथ या अदर बॉडी, कोई भी होस्ट बॉडी को एकदम से उसमें स्टेबलाइज होने के लिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और स्ट्रक्चर है मीजोसोम। मीजोसोम क्या करता है, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जो मीजोसोम है ये सेलुलर रेस्पिरेशन को शो करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये काम किसका है, ये काम है मीजोसोम्स का, जो कि क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में यह फंक्शनिंग होती है, लेकिन जो हमारा ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, मीजोसोम करता है। ठीक है, इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है हमें सर्कुलर शेप में, इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है ये प्लाज्मिड। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मिड की डेफिनेशन ही ये होती है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। तो हम इसमें अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड
characteristics of bacterial cell. ओके तो स्ट्रक्चर ये है, करेक्टर की जहां बात आती है पॉइंट आउट करते हुए करेक्टर से ही, ये क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया. सेकंड इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. ओके फिलामेंटस होते हैं ठीक है, और कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं कौन बैक्टीरिया. नेक्स्ट 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं. ओके हमने इनकी बात नहीं की, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है राइबोसोम है ठीक है. राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यू नो प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड नोन एज प्रोटीन. तो उस प्रोटीन से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म बिल्ड होगा ठीक है. प्रोटीन की फंक्शन पता है कि प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड का काम करता है. ओके इसके बाद जो रेस्पिरेशन है मीजोसोम्स क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल करता है ठीक है. उसके बाद आपका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या होता है मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं ठीक है. क्या कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. और क्या होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड मोस्टली हीटरोट्रॉपिक. ठीक है कुछ ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, बाकी रिमेन क्या होते हैं सब हीटरोट्रॉपिक होते हैं ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स भी, और जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जो क्रोमोसोम है जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं कहाँ साइटोप्लाज्म में. ये पूरी एरिया क्या कहलाती है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म यू नो सेल का प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स मोस्टली ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं लोकेटेड होते हैं, और वो वहां पर सेल की फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं ठीक है. तो इस तरह से क्या हो गया कि ये हमारा स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा और बैक्टीरियल सेल की ये डिस्कशन हो गई ठीक है. तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें.